दोस्त, आज हम फाइनेंस सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है कैस्पियन कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी मेनली प्रोवाइड करते हैं एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 22.8 करोड़ है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 7.33 रुपीज़ है और स्टॉक का प्राइस टारगेट 18 रुपीज़ है और ये स्टॉक 46.4 के पी में ट्रेड कर रही है। दोस्तों, कैस्पियन कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड करते हैं बेस्ट कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया में। साथ ही कंपनी ऑफर करते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज जैसे FMS, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ऑफिस सपोर्ट, M&E, पेस्ट कंट्रोल, डिसइंफेक्शन, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ये सब कुछ। साथ ही कंपनी प्रोवाइड करते हैं बेस्ट बिजनेस सर्विसेज जिसमें इंक्लूड होता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग सॉल्यूशन, IT स्टाफिंग, हेल्थ सर्विसेज, फैसिलिटी एंड पेरोल मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ग्राउंड हैंडलिंग, ये सब कुछ। कंपनी मेनली इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। कंपनी प्रोवाइड करते हैं ब्रोकरेज सर्विसेज, इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट रिलेटेड। साथ ही कंपनी प्रोवाइड करते हैं कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विसेज। कंपनी ऑफर करते हैं रिटेल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग सर्विसेज, ये सब कुछ। दोस्तों, ये कंपनी 2011 में हैदराबाद में इस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, अभी कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी के सेल्स 47.4 करोड़ से बढ़कर 295.1 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 38.5 करोड़ से बढ़कर 175.9 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का EPS 5.4 से बढ़कर 8.2 हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का टोटल एसेट 252.6 करोड़ से बढ़कर 741.8 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। दोस्तों, कंपनी की शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं प्रोमोटर्स ने 74.95% होल्ड किए शेयर्स और पब्लिक ने 25.05% होल्ड किए शेयर्स। दूसरी कंपनी ऑफर करते हैं सर्विसेज जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस, ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज, ये सब कुछ। कंपनी का मेन फोकस है प्रोवाइड करना हैसल फ्री एक्सपीरियंस उनके क्लाइंट को। साथ ही कंपनी प्रोवाइड करते हैं बेस्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करे उनके क्लाइंट को रिलेवेंट रिसर्च एंड डाटा ताकि उनके क्लाइंट्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सके। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा।